नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेन्स वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में, ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियां। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव हेतु विधानसभा वार मतदान सामग्री वितरण केंद्र किए गए निर्धारित। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में कुल 8 उम्मीदवार हैं मैदान में। सीआरपीसी के तहत 1487 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई। डीएम ने उपचुनाव हेतु एनडीआरएफ की 4 टीमों की रखी मांग। बीपीएससी की 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन, 33 केंद्रों पर विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। सांसद गोपाल जी ठाकुर के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रम, अलग अलग तरीकों से उनके दीर्घायु होने की कामना। एमएलएसएम कॉलेज ने लगातार 10वें साल भी खो खो में कायम रखी अपनी बादशाहत। दरभंगा सेंट्रल स्कूल वासुदेवपुर में वैदिक गणित व्याख्यान का हुआ आयोजन। और दरभंगा के रिलायंस पेट्रोल पंप से पैसे लूट कर भाग रहे अपराधी गिरफ्तार, रुपए भी बरामद। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आओ भगत एवं सत्कार में गर्म जोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल एसजी पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट, आए और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। और समाचार विस्तार के साथ। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव हेतु विधानसभा वार मतदान सामग्री वितरण केंद्र किए गए निर्धारित। समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन को लेकर विधानसभा वार मतदान सामग्री वितरण केंद्र निर्धारित। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 2019 के अवसर पर दरभंगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पोलिंग पार्टी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने, मतदान सामग्री वितरण की व्यवस्था करने, पोलिंग पार्टी के साथ वाहनों की संबद्धता करने हेतु विधानसभा वार सामग्री वितरण केंद्र निर्धारित किया गया है। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन हेतु सामग्रियों का वितरण
नंद किशोर उच्च विद्यालय सती घाट को सशस्त्र स्थान में किया जाएगा। वहीं 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन हेतु मतदान सामग्रियों का वितरण LM उच्च विद्यालय आनंदपुर हायाघाट में होगा। नंद किशोर उच्च विद्यालय सती घाट सामग्री वितरण केंद्र के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सशस्त्र स्थान को बनाया गया है। इन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी तथा कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। वहीं LM उच्च विद्यालय आनंदपुर हायाघाट सामग्री वितरण केंद्र के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट को बनाया गया है। इन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दोनों सामग्री वितरण केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा सामग्री वितरण केंद्रों के प्रभारी पदाधिकारी को 18 अक्टूबर तक सामग्री वितरण केंद्र में पोलिंग पार्टी, वीडियो कैमरा दल, माइक्रो ऑब्जर्वर दल आदि के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी, टेबल, टेंट, जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पीने का पानी आदि की व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में कुल 8 उम्मीदवार हैं मैदान। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में मैदान में कुल 8 अभ्यर्थी। दरभंगा जिले से 4,74,940 निर्वाचक मताधिकार का करेंगे प्रयोग। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन 2019 हेतु 21 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव में अंतिम रूप से विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या 8 है, जिनके बीच मुकाबला होना है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार प्रिंस राज, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अन्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी हैं। वहीं रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों में निर्दोष कुमार, जन अधिकार पार्टी, रंजू देवी, युवा क्रांतिकारी पार्टी एवं विद्यानंद राम बाजी अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव मैदान में 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, जिसमें अनामिका, शशिभूषण दास एवं सूरज कुमार दास के नाम शामिल हैं। 23 समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र यथा 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,40,107 निर्वाचक हैं। इसमें पुरुष निर्वाचकों की संख्या 1,25,980 तथा महिला निर्वाचकों की संख्या 1,14,126 एवं अन्य निर्वाचक 1 हैं, जबकि 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचकों की कुल संख्या 2,34,833 है, महिला जिसमें पुरुष निर्वाचकों की संख्या 1,24,478, महिला निर्वाचकों की संख्या 1,10,351 तथा अन्य श्रेणी में 4 निर्वाचक हैं। दरभंगा जिला के उक्त 2 विधानसभा क्षेत्रों में कुल निर्वाचकों की संख्या 4,74,940 हैं। CRPC के तहत 1,487 के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई। CRPC के तहत 1,487 के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 2019 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अवांछित तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज कर दी गई है। सड़कों पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन किया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अब तक के निरोधात्मक कार्रवाई में 4 गैर लाइसेंसी हथियार, 6 कार्ट्रीज एवं 2 गोली खोखा जब्त किया गया है। वहीं लाइसेंसी हथियारों की जाँच की कार्रवाई में 100 गन का सत्यापन किया गया है एवं 31 गन को जमा करा लिया गया है। बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में अब तक 1,487 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें से 401 व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन किया गया है। लोकसभा उपचुनाव में गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका के मद्देनजर 13 लोगों के विरुद्ध CCA का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बताया गया कि वाहनों की चेकिंग में अब तक 3,92,500 रुपया दंड स्वरूप वसूला गया है। 4,913 लीटर अवैध शराब की भी जब्ती की गई है। लोकसभा उपचुनाव में दबंग लोगों द्वारा कमजोर वर्ग के मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर ऐसे कुल 86 भेद्य टोले चिन्हित किए गए हैं। इन लोगों को निष्पक्ष मताधिकार का प्रयोग करने में जिनसे डर या भय है, वैसे 326 लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी दरभंगा ने उपचुनाव हेतु NDRF की 4 टीमों की रखी मांग।
डीएम ने उपचुनाव हेतु 4 एनडीआरएफ टीम की रखी मांग। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा 23 समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 2019 के तहत 78 कुशेश्वर स्थान एवं 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को मतदान कराने हेतु एनडीआरएफ की 4 टीमें उपलब्ध कराने का अनुरोध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से किया गया है। कहा गया कि 78 कुशेश्वर स्थान के 65 मतदान केंद्र अभी भी पानी से घिरे हुए हैं, जहाँ नाव के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है। इसके लिए एनडीआरएफ की टीमें यहाँ होनी जरूरी है। एनडीआरएफ की 4 टीमों के यहां आ जाने से मतदान कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न करा लिया जाएगा। उन्होंने ये बातें निर्वाचन विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में लोकसभा उपचुनाव अंश की विधिवत तैयारी की जा रही है। सभी कार्य समय पूर्व संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री बाबू राम द्वारा बताया गया कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेजी से की जा रही है। भेद टोलों की पहचान कर ली गई है और इन्हें प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की भी पहचान कर उनके विरुद्ध सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीपीएससी की 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन, 33 केंद्रों पर विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। कुल 33 केंद्रों पर 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन। सांसद गोपाल जी ठाकुर के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अलग अलग तरीकों से उनके दीर्घायु होने की गई कामना। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के युवा नेता बालेंदु जहा बालाजी ने अपने साथियों के साथ सांसद के दीर्घायु होने की कामना के लिए सुल्तानगंज से बाबा धाम तक कांवर यात्रा की शुरुआत की। वहीं दरभंगा शहर में डॉक्टर तनवीर हसन, प्रेम कुमार, रजनी सुंदरम, सुधानंदन झा, जय भारद्वाज, नितिन कुमार, रामा कुमार, रोशन कुमार आदि युवा कार्यकर्ताओं ने MLSM कॉलेज के पास विद्यापति चौक परिसर व प्रतिमा की साफ सफाई की, माल्यार्पण भी किया तथा श्यामा मंदिर में उनके दीर्घायु होने की कामना के लिए पूजा अर्चना की। बिरौल में घनश्याम कुमार के नेतृत्व में युवाओं ने श्री ठाकुर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। वहीं बहेड़ी में युवा अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच फल वितरण किया। वहीं ताड़ी में लालकांत झा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देवी माँ की मंदिर की सफाई की और फिर पूजा अर्चना की। बेनीपुर मुख्य बाजार में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का 50वां जन्मदिन मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा विजय कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में मना। इस कार्यक्रम में बेनीपुर नगर के सदस्यता प्रभारी पिंटू झा, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सोनू ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेनाकि
जेनाकि अहाँ सबके बुझल होयत जे आइ हमर लोकप्रिय सांसद जन जनके नेता श्रीमान गोपाल जी ठाकुर जी के जन्मदिन छल। ताहिके अवसर पर हमसब सेवा दिन के तहत सबसे पहले विद्यापति जी के प्रतिमा के साफ सुथरा कऽ कऽ गंगा जल से साफ कऽ कऽ ताहिके बाद ओतय माल्यार्पण केलहुँ आओर माल्यार्पण के तत्पश्चात हमसब श्यामा मंदिर एलहुँ। यऽ श्यामा मंदिर में हुनकर दीर्घायु के लेल हमसब कामना केलहुँ माँ से। और एक बाद आप फिर हमसब जब स्टेशन पर और क्योंकि स्टेशन परिसर में जते गरीब गुरबा सब छथिन तिनका बीच फल के वितरण करब और हुनका दीर्घायु के लेल सबसे कामना करै छी। जीवन बहुत ज्यादा कीमती छल तहिना मिथिला के लाल गोपाल जी बाबू के जे दीर्घायु भेलनि हमरा सबके लेल बेहद कीमती अछि किएक तऽ ओ रहता तहन हमर सबके जे चिर प्रतीक्षित अभिलाषा अछि पूर्णतः साकार रूप मे होयत और मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास होयत जे सपना आइ 70 साल से 72 साल से मिथिलांचल के अखन तक पूर्ण साकार रूप में पल्लवित उपस्थित नहीं भ सकल हँ से महोदय गोपाल जी ठाकुर ओकरा सम्भोगपूर्वक अपन पूरा समीचीन करता ओकरा और हनुमान जी से प्रार्थना करै छियनि कि जे हुनका यशस्वी बनाबै हुनका दीर्घायु बनाबै जो जीवन में एहन बहुत सारा कृति करै जैसे मिथिलांचल हुनका पर गर्व करे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कन्वोकेशन कॉमनिक द 10th एनुअल कन्वोकेशन ऑफ द एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा सेल बी हेल्ड ऑन 12th ऑफ नवंबर 2019 एट डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस डिजायरस टू रिसीव देयर डिग्रीज इन पर्सन एट द कन्वोकेशन में सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑफलाइन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस फ्रॉम 16th सेप्टेम्बर 2019 टू 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCOM exams 2019. Serial number 2, MED exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, LN Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक अपना आपसों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव हेतु विधानसभावार मतदान सामग्री वितरण केंद्र किए गए निर्धारित। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में कुल 8 उम्मीदवार हैं मैदान में। सीआरपीसी के तहत 1487 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई। डीएम ने उपचुनाव हेतु एनडीआरएफ की 4 टीमों की रखी मांग।
बीपीएससी की 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन, 33 केंद्रों पर विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। सांसद गोपाल जी ठाकुर के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रम, अलग अलग तरीकों से उनके दीर्घायु होने की कामना। एमएलएसएम कॉलेज ने लगातार 10वें साल भी खो खो में कायम रखी अपनी बादशाहत। दरभंगा सेंट्रल स्कूल वासुदेवपुर में वैदिक गणित व्याख्यान का हुआ आयोजन। और दरभंगा के रिलायंस पेट्रोल पंप से पैसे लूटकर भाग रहे अपराधी गिरफ्तार, रुपए भी बरामद। एमएलएसएम कॉलेज ने लगातार 10वें साल भी खो खो में कायम रखी अपनी बादशाहत। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा ने लगातार 10वें साल भी खो खो में कायम रखी अपनी बादशाहत। फुटबॉल में भी मेजबान एमएलएसएम बना चैंपियन। 15 अक्टूबर को एमएलएसएम कॉलेज के तत्वावधान में चल रहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट और खो खो टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें खो खो प्रतियोगिता में मेजबान टीम ने अपनी बादशाहत कायम रखी और लगातार 10वें साल फाइनल मुकाबले में जेके कॉलेज बिरौल को एक पारी और 5 पॉइंट से मात देकर विजेता ट्रॉफी अपने पास रखी। मेजबान खो खो टीम के कप्तान अभिषेक कुमार झा ने अपनी टीम के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि हमने सीनियर खिलाड़ियों से विरासत में विजय अभियान को लिया था और हम उसको निरंतर कामयाब रखने में कामयाब रहे। मैच के दौरान प्रदीप यादव और दिवाकर मिश्रा अपने खेल से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। टीम के प्रशिक्षक सुनील कुमार चौधरी ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि जब से विश्वविद्यालय में खो खो प्रतियोगिता आरंभ हुई है, तब से एमएलएसएम कॉलेज ही विजेता बनता आ रहा है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल वासुदेवपुर में वैदिक गणित व्याख्यान का हुआ आयोजन। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा वैदिक गणित व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रामचंद्र देव एवं डॉक्टर रश्मि देव भारतीय शिक्षण मंडल पूरी उड़ीसा ने अपने व्याख्यान से छात्र छात्राओं को मंत्रमुग्ध किया। दोनों व्याख्याताओं का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉक्टर ए के कश्यप ने कहा कि वेदों में सूक्तियाँ न सिर्फ व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण समाप्त कर मन को शांत करती है, बल्कि समाज और देश स्तर पर भी अनेक समस्या समाप्त करने में सहायक बनती है। वेदों में वर्णित गणित का सम्यक ज्ञान ही मानव को माधव बनाने की ओर अग्रसर करता है। इस अवसर पर डॉक्टर रामचंद्र देव ने कहा, वैदिक गणित का संबंध मनुष्य का आदिकाल से रहा है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक की गणितीय आंकड़ों को का दर्शन कराती है। इसके आदि गुरु शंकराचार्य हैं। इसके अनेकानेक सूत्र हमें ज्ञान की वृद्धि कराते हैं। सारे बच्चे, ये जो 103 है वो 100 से कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा है उतना फर्दर ज्यादा करो, तो 106 आया। अभी आपका 3 का स्क्वायर निकालो। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। बेस नंबर क्या था आपका? 100। उसमें कितना जीरो था? 2 जीरो, इसीलिए 0 नहीं डालोगे। आंसर इज 10609। समझ गए? अगर मैं लेता हूँ 112 का स्क्वायर, 112, 100 से कितना जा रहा है? फर्दर 12 ऐड करो, कितना आया? अभी 12 का स्क्वायर कितना है? 144। वेरी गुड, स्मार्ट स्किल है। अभी आपका बेस नंबर क्या था? 100। उसमें कितना जीरो है? इसीलिए दो डिजिट रहेगा, ये कैरी हो जाएगा। तो 125 तो देखते हो कितना क्विक हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को मैंने कुछ नंबर ऐसे दिया था 998, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें हमारा बेस नंबर क्या है? 9998। बेस नंबर क्या होगा? 10,000 होगा। 10,000 से ये कितना कम है? 2 कम है। जितना कम है उतना फर्दर कम करो, तो कितना मिला? समझ गए? अभी जो डेफिसिट नंबर है, जिसको हम कम कहते हैं, डेफिसिट नंबर का स्क्वायर निकालो। डेफिसिट नंबर क्या था? -2। -2 का स्क्वायर कितना है? 4। लेकिन यहाँ का बेस नंबर क्या है? 10,000। उसमें कितना जीरो है? 3, 4, 4 जीरो है, 10,000। तो आप बिकॉज यू आर दरभंगा के रिलायंस पेट्रोल पंप से पैसे लूटकर भाग रहे अपराधी गिरफ्तार, रुपए भी बरामद।
13 अक्टूबर 2019 की रात 10 बजे के आसपास भगवती पेट्रोलियम रिलायंस पेट्रोल पंप दरभंगा के मैनेजर राजेश कुमार चौधरी, पिता अनिल चौधरी, ग्राम पोस्ट ब्रह्मज्ञानी, थाना भवानीपुर, जिला पूर्णिया, अपने वास्तु विहार कॉलोनी ग्राम शाहपुर जा रहे थे। इसी क्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रावास के सामने NH-57 पर घात लगाए 4-5 लोग के द्वारा 6,82,730 रुपयों को पिस्तौल एवं डंडा मारकर जमीन पर गिरा दिया उन्हें और बैग लूटकर भागने लगे। इसी क्रम में मब्बी ओपी की गश्ती गाड़ी जो शोभन की ओर जा रही थी हल्ला सुनकर रुकी तो जानकारी हुई कि रिलायंस पंप के मैनेजर के साथ लूट की घटना हुई है, जिसमें कुछ अपराधी बैग लेकर खेत की ओर भाग गए। बाकी सफ़ेद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठकर घटनास्थल से दूसरे लेन पर खड़ी गाड़ी को में बैठते हुए दिल्ली मोड़ की तरफ भाग गए। पुलिस के द्वारा इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं आसपास के थानों को दी गई। मब्बी पुलिस के द्वारा खेत में भागे तीन अभियुक्तों का पीछा किया गया, जिसमें कुछ ग्रामीण भी उक्त अपराधियों को पकड़ने में सहयोग करने लगे। उक्त छापामार में दो अपराधी को NH-57 के किनारे शाहपुर चौर से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम विशाल सिंह एवं विशाल यादव हैं। दोनों चांदमारी थाना शिवपुर जिला बनारस को एक काले बैग के साथ पकड़ा गया, जिसमें लूटा गया सारा पैसा बरामद कर लिया गया। उक्त घटना की सूचना नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थानाध्यक्ष सिमरी एवं सिमरी थानाध्यक्ष, मब्बी एवं मब्बी थानाध्यक्ष के अन्य पदाधिकारी और तकनीकी शाखा के कर्मी पहुंचकर पदाधिकारी के साथ दोनों पकड़ाए अभियुक्तों के बताए अनुसार उक्त अपराधी के सहयोगियों के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया गया कि घटना के समय तीन व्यक्ति थे जो दूसरे लेन पर खड़े यूपी नंबर की गाड़ी से दिल्ली मोड़ की ओर भाग गए। उसके बाद तुरंत सीमावर्ती थानों एवं सीमावर्ती जिले मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर को सूचित करते हुए स्विफ्ट डिजायर कार पर सवार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के क्रम में भागे हुए अपराधी बीरा ओवरब्रिज के निकट गाड़ी लगाकर छिपे हुए थे, जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया, जिसमें विशाल सिंह, कमलेश कुमार, गौतम विश्वकर्मा दोनों साकिन चांदमारी, तीनों थाना शिवपुर जिला बनारस को गिरफ्तार किया गया तथा तलाशी के क्रम में गौतम विश्वकर्मा के पास से एक लोडेड देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद की गई। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार तीनों अपराधी के द्वारा बताया गया कि घटना के समय दूसरे लेन में गाड़ी लगाकर खड़े थे, जो पुलिस की गाड़ी देखकर अपने तीन साथी को छोड़कर बीरा ओवरब्रिज के नीचे आकर गाड़ी लगाकर छिप गए, जो पुलिस के द्वारा पकड़े गए। गठित टीम के प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि घटना के मास्टरमाइंड गौतम विश्वकर्मा है तथा इस घटना का लाइनर सचिदानंद मौर्य उर्फ सचिन उर्फ गुड्डू, जो रिलायंस पेट्रोल पंप का शिफ्ट सुपरवाइजर है जो बनारस का रहने वाला है, उसने इस घटना को अंजाम देने में सहयोग किया। हो गया सर, तो सर एक्चुअली मैं साइड कर देता सर। हो गया ठीकगा। संजीव जी खास हटाइएगा। परसों रात NH-57 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के मैनेजर से कुछ क्रिमिनल ने 6,82,000 रुपये लूट लिए थे।
पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की गश्ती गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और गाड़ी को देख के कुछ लुटेरे अपनी गाड़ी में नहीं बैठ सके, गाड़ी उनकी भाग गई उनको छोड़कर। तो गांव आसपास के गांव वालों के सहयोग से गश्ती पार्टी ने इन लोगों को खेतों में ढूंढा रात में और तीन लोगों को पकड़ लिया। उनकी पूछताछ पर जो लीड मिली उसके आधार पर फिर पूरे शहर की नाकाबंदी की गई, आसपास के बॉर्डरिंग जिला को भी नाकाबंदी करने के लिए रात में सूचना दी गई और पूरी रात छापामारी करने के बाद बाकी तीन इनके जो दूसरे साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो गाड़ी इन्होंने लूट में प्रयुक्त की थी उसकी भी बरामदगी हो गई, इनसे हथियार की भी बरामदगी हो गई और सबसे बड़ी बात जो लूट का पूरा रुपया था, पूरा का पूरा रुपया बैग सहित ये पुलिस ने बरामद कर लिया। ये मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं और पेट्रोल पंप पे कर्मी थे जो वही मेन लाइनर थे, उन्होंने पूरी अपराध की योजना बनाकर इन लोगों को आमंत्रित किया था। तो इनका क्रिमिनल इतिहास भी देखा जा रहा है, इन्होंने पहले भी कुछ घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, इस जिला में भी कुछ घटनाएं इन्होंने की है इनकी, और फर्दर हिस्ट्री जो है इनके निवास स्थान का जो थाना है वहाँ से भी मंगाई है। ये सब माइनर डिटेल्स जो है अनुसंधान का विषय है, इसको हम लोग अभी मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हथियार इनसे एक कट्टा और दो गोली बरामद हुई है, जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। अभी तो छः लोग जो जिनके नाम स्पष्ट हुए जिनकी सभी गिरफ्तारी हो गई है, एक आदमी इसमें फिरार है, लाइनर से अभी गिरफ्तारी उनकी की जाएगी। एसएसपी बाबूराम ने सुनी जनता की बात। एसएसपी बाबूराम ने सुनी लोगों की बात, अपने कक्ष में मिले जनता से एसएसपी दरभंगा। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में छात्रावास एवं कल्याण समिति की बैठक आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में छात्रावास एवं कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने गत बैठक की संपुष्टि के साथ साथ अन्य प्रस्तावों को सदस्यों के समक्ष रखा। छात्रों को छात्रावास आवंटन हेतु गठित समिति की अनुशंसा, जिसे छात्रावास अध्यादेश के अनुसार बनाया गया था, उसे अनुमोदित किया गया। कोसी छात्रावास में कुल 63 छात्रों एवं कमला छात्रावास में 54 छात्राओं के नामांकन की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि
सत्र से छात्रावास शुल्क एक सत्र दो वर्षों का 300 रुपये प्रतिमाह की दर से 7200 लिए जाएंगे। यह शुल्क 1986 में 115 रुपये प्रतिमाह निर्धारित था। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नामांकन के समय छात्र छात्राओं को 5000 रुपये कौशन मनी जमा करना होगा, जो छात्रावास खाली करने के समय उन्हें वापस कर दिया जाएगा। बैठक में कुल सचिव समेत विभिन्न विभागाध्यक्ष मौजूद थे। ये जब तक समाचार बिताएंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव हेतु विधानसभावार मतदान सामग्री वितरण केंद्र किए गए निर्धारित। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में कुल 8 उम्मीदवार हैं मैदान में। सीआरपीसी के तहत 1487 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई। डीएम ने उपचुनाव हेतु एनडीआरएफ की 4 टीमों की रखी मांग। बीपीएससी की 65वीं प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ आयोजन, 33 केंद्रों पर विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। सांसद गोपाल जी ठाकुर के जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रम, अलग अलग तरीकों से उनके दीर्घायु होने की कामना। एमएलएसएम कॉलेज ने लगातार 10वें साल भी खो खो में कायम रखी अपनी बादशाहत। दरभंगा सेंट्रल स्कूल वासुदेवपुर में वैदिक गणित व्याख्यान का हुआ आयोजन। और दरभंगा के रिलायंस पेट्रोल पंप से पैसे लूट कर भाग रहे अपराधी गिरफ्तार, रुपए भी बरामद। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।